हाय गाइस, अभी रात का 1 बज रहा है, ठीक है। और अभी मेरा जो फार्म है उसका काम थोड़ा निपटा के अभी फ्री हुआ हूँ। और दोस्तों, इतनी रात तक मैं इतनी देर तक मैं काम इसलिए कर रहा था कि अभी हमारा जो उड़ीसा पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही गिर चुका है। मतलब कि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रहा है और इतनी तेज़ ठंड हो रहा है ना, तो इसलिए मतलब कि बार्ड्स लोग पूरा ही मतलब कि सुस्त होके बैठ जाते हैं, फूल के बैठ रहे हैं सभी। तो इसलिए मेरा थोड़ा कुछ पोर्शन, जो बाट फार्म का कुछ पोर्शन था, वो थोड़ा सा खुला था। तो आज सुबह मैंने तय किया कि नहीं, उसको ढकना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना ठंड पड़ रहा है तो उससे भी हवा पास हो रहा है और ठंड बहुत गिर रहा है। फार्म के जो अंदर के जो टेम्परेचर है वो बहुत ही मतलब कि डाउन होते चला जाता है। और रात के टाइम भी जितना भी आप बल्ब लगाओ, जितना भी हीटर लगाओ, वो कुछ देर बाद वो फिर से मतलब कि ठंड हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मैंने पीछे जो पॉलीथीन पूरा ही यहाँ पे यहाँ से पूरा पीछे तक मैंने अभी लगाया। और ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कबूतरों के जो लाइट है वो भी मैं जला के रखा हुआ हूँ अभी अभी। मतलब कि इस तरह से ठंड है दोस्तों कि कबूतर वगैरह भी बहुत मतलब कि पूरा ही फूल के बैठ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज रात ही मतलब कि काम जितना भी देरी हो हम लोग मैं मतलब क्या कि मैं निपटा के ही मतलब कि सोऊंगा। तो यहाँ पे यहाँ से पूरा वहाँ तक मतलब कि पूरा ही मैंने पॉलीथीन पे कवर किया, और जो भी जिस जहाँ पे भी गैप बग रहा था वो सबको मैं कवर किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रहा है दोस्तों। अभी तो तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस का है, मैंने अभी रिसेंट अपडेट देखा था अभी। तो दोस्तों, आप लोगों को यही ही कहना था कि जो भी अगर कहाँ से भी अगर आपके बार्ड्स को हवा जा रहा है, कहीं से भी अगर आपके कबूतरों को या फिर कोई भी बार्ड्स को अगर हवा जा रहा है, ठंडी बहुत मतलब कि अंदर अगर बढ़ रहा है, तो इमीडिएट उनको कवर कीजिए, क्योंकि इतनी ठंड से बार्ड्स लोगों की मतलब कि सुबह तक भी मतलब 11-12 तक भी ठंड रहता है और कम भी नहीं होता है। तो जितनी जल्दी हो सके ठंड से बचाइए अपने बार्ड्स को। और पॉलीथीन वगैरह, चाहे थोड़ा सा मोटा पॉलीथीन हो वगैरह लगाएं, और जिस तरह के आपके बार्ड्स के फार्म के अंदर हवा ना जा सके, या फिर आपके आपके बार्ड्स के जो केज है उसके उसके अंदर जिस तरह से हवा ना जा सके, ठीक है। और मैंने जो दोस्तों पॉलीथीन लगाया हुआ हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये ट्रांसपेरेंट वाला है, ठीक है, मतलब कि जो कि है आर पार देख सकता है। इससे क्या होगा कि दोस्तों, सुबह जब भी धूप आएगा, सुबह जब धूप आएगा तो अंदर तक भी जा सकेगा। अगर मैं इस तरह के काले वाला अगर लगाता तो धूप नहीं अंदर जा सकता है, मतलब कि लाइट अंदर नहीं जा सकता है। और इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाला लगाने से आपके केज में डायरेक्टली सनलाइट भी गिर सकता है, और टेम्परेचर भी दिन के टाइम भी बहुत बना रहेगा, और काफ़ी अच्छा लाइट भी होगा आपके केज या फिर आपके फार्म के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदा होगा, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए मिला, ठीक है। तो दोस्तों, फिर चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ये वीडियो अभी ही मतलब कि मैं पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग जो भी अभी अपडेट होंगे तो देखेंगे, नहीं तो आप लोग कोई भी सुबह देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे।